नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 29 अप्रैल गुरुवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। कोविड महामारी के बीच आगामी चार धाम यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह जानकारी मीडिया को दी है। बता दें कि आज गुरुवार को इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारों धाम के कपाट अपने तय समय पर खुलेंगे, लेकिन केवल पुजारी और पुरोहित ही धामों में पूजा अर्चना करेंगे। यात्रियों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। देवस्थानम बोर्ड ने मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि मई में शुरू होने वाली चार धाम यात्रा को लेकर सरकार का फैसला लिया गया है। कोरोना मरीजों को अब अस्पतालों में खाली बेड के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना होगा। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों के बिल 30 से 60 मिनट में पास करें। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां बिल को मंजूरी देने के लिए 6 से 7 घंटे नहीं ले सकती, क्योंकि इससे मरीजों को डिस्चार्ज में देर होती है। वहीं बिस्तरों की ज़रूरत वाले लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अदालत को किसी बीमा कंपनी या TPA प्रोसेसिंग इंश्योरेंस क्लेम के बिल क्लियर करने के लिए 6 से 7 घंटे का समय लेने की जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। जयपुर सांगानेर SDM व तहसीलदार की SSO ID हैक करके फर्जी प्रमाण पत्र बनाने और 2 बदमाशों को कमिश्नरेट की विशेष अपराध एवं साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद मुस्तकीम अमृतपुरी कॉलोनी आदर्श नगर व अमित अग्रवाल हिद्दा की मौरी घाट गेट के रहने वाले हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि SDM व तहसीलदार के नाम से फर्जी मेल ID बनाकर SSO हेल्प डेस्क के जरिए रजिस्टर्ड करवाई। उसके बाद उनकी SSO ID हैक कर अधूरे दस्तावेजों के सहारे ही 5,000 रुपये लेकर फर्जी प्रमाण पत्र बना देते हैं। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में खेत में काम कर रहे 3 भाइयों को गर्मी लगी तो राहत पाने के लिए डिग्गी में नहाने चले गए। नहाते नहाते पता ही नहीं चला और बीच में पहुंच गए, जहां पानी काफ़ी गहरा था। तीनों भाइयों ने एक रस्सी को पकड़ रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश रस्सी टूट गई। सबसे आगे चल रहा भाई डूब गया। 2 ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नवीन कुमार मेघवाल की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची खाजूवाला पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र में 57 के गुरुकृपा पेट्रोल पंप लूट होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के अनुसार नदबई की तरफ से आए कार सवार 5 से 6 अज्ञात बदमाशों ने कार में एक व्यक्ति के बीमार होने की बात कहकर 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद बदमाश हथियारों के बल पर लूटपाट करते हुए 2 सेल्समैनों से 20,000 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर जिले के रुदावल कस्बे में लॉकडाउन की पालना करवाने बाजार में पहुंची प्रशासन की टीम को देखकर रेडीमेड का दुकानदार महिला ग्राहकों को दुकान में अंदर बंद करके भाग गया। सहायक विकास अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि बाजार में लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान बिहारी जी मंदिर के पास रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान का संचालक टीम को देखकर ग्राहकों को दुकान में अंदर बंद करके ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर रुदावल पुलिस भी पहुंची। काफी प्रयासों के बाद दुकानदार को मौके पर बुलाकर दुकान का ताला खुलवाकर अंदर बैठी महिला ग्राहकों को 1.25 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। टीम ने दुकानदार से 2,000 रुपये का जुर्माना राशि वसूल की और दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। जोधपुर की लोहावट थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ग्रामीण ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई कर 5 लाख रुपए का डोडा पोस्त पकड़ा है। टीम ने लोहावट के मुंजासर गांव के पास से एक बिना नंबरी पिकअप गाड़ी से 6 कट्टों में भरा 120 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। थाना अधिकारी इमरान खान ने बताया कि मुंजासर गांव के पास नाकाबंदी कर रखी थी। इसी दौरान एक पिकअप को रुकने का इशारा किया तो चालक ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया। लोहावट थाना पुलिस स्पेशल टीम जोधपुर ग्रामीण व ERT की विशेष टीम ने वाहनों की घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ लिया। चालक व उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। उदयपुर के गोगुंदा में आकाशीय बिजली गिरने से 17 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गोगुंदा थाना क्षेत्र के बगडुंदा की है, जहां खेत पर बकरियों को चरा रही धर्मी गमेती आकाशीय बिजली के चपेट में आ गई। इस दौरान धर्मी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। परिजनों ने बताया कि धर्मी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, जो परिवार के पालन पोषण में भी मदद करती थी।
नमस्कार। कोरोना संक्रमण हम सभी के लिए एक चुनौती है, जिसे हम एकजुट होकर हराना है। इसलिए मैं प्रेम नायक श्री गंगानगर से, आपका छोटा भाई, आप सभी से अपील करता हूं कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने, सभी से सामाजिक दूरी बनाए और बार बार अपने हाथों को धोए, ताकि हम कोरोना को हरा सकें। धन्यवाद। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.